गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स ये चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला एक्सरसाइज जो 3.1 एक्सरसाइज था वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया था, अपलोड हो गया था चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, अगला वाला जो एक्सरसाइज है तुम्हारा, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, इस थ्योरी के ऊपर थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। ये थ्योरी जो पोर्शन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। वो 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के काम आएगा तुम्हारा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर्स, ठीक है। ये कितना तरीके का नंबर्स हो सकता है, देखो नंबर्स तो बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में चार्ट टाइप का ही दिया हुआ है, तो हम लोग चार्ट टाइप का नंबर पहले डिस्कस करेंगे। क्या क्या हो सकता है देखो, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर, तीसरा होता है इवन नंबर और चौथा होता है ऑड नंबर। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ वन और वही वाला नंबर फैक्टर होगा। क्या बोले, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें दो मिलेगा, दो तो फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा एक, और जिस नंबर का तुम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो वही वाला मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं, मान लो नंबर 7, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं तुमको, जैसे 7 हम बोलेंगे कि 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर, क्योंकि 7 का अगर तुम फैक्टर करोगे तो 7 का तुम्हें दो तो फैक्टर मिलेगा, एक एक मिलेगा और जो नंबर तुम लिए हो वही एक फैक्टर मिलेगा, और कोई फैक्टर नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। तो किसी नंबर को हम प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब इसका फैक्टर एक होगा और जो नंबर तुम लियो हो वही होगा, ये दो ही फैक्टर तुमको मिलेगा, उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और फैक्टर किसे कहते हैं, वो हम पहले जब इसका पहला वीडियो जब डाले थे वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, फैक्टर्स मल्टीपल्स ये सब डिस्कस हो गया था 3.1 में जो कराए थे, इस पिछले वाले वीडियो में वहाँ पे हम लोग बता दिए थे, ठीक है। तो 7 का फैक्टर तुम्हें सिर्फ एक मिलेगा और क्योंकि तुम 7 नंबर लिए हो 7 तुम्हें मिलेगा, मतलब एक नंबर को हम प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब इसका फैक्टर सिर्फ एक होगा और जो नंबर तुम लिए हो वही वाला होगा, ठीक है। इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, दूसरा डेफिनेशन मतलब क्या, एक नंबर को तुम प्राइम नंबर तभी बोलोगे जब इसको तुम सिर्फ एक और जो नंबर तुम लिए हो उसी नंबर से डिवाइड कर पाओगे, तभी जाके वो होगा। फैक्टर है मतलब डिवाइड करना, ठीक है। क्योंकि फैक्टर हम किसको बोलेंगे, अगर किसी नंबर को फैक्टर बोलना है तुमको तो उस नंबर को तुमको उसी नंबर से डिवाइड करना होगा, मतलब डिविजिबल होना होगा, तब जाके उसको हम फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि 7 को अगर हम प्राइम नंबर बोलना चाहते हैं तो 7 को हम 1 से अगर डिवाइड करें तो 1 7 से 7 होता है, और क्या 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करें 7 एक कम 7 होता है, मतलब क्या ये जो 7 नंबर है ना ये 1 से डिविजिबल होता है और 7 से डिविजिबल होता है, और कोई दूसरा नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि तुम दूसरा नंबर से डिवाइड करने जाओगे तो तुम्हें रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे देखो कोई भी रिमाइंडर नहीं है। डिविजिबल हम कब बोलेंगे, किसी नंबर को डिविजिबल कब बोला जाता है, किसी नंबर को डिविजिबल तभी बोला जाएगा जब तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड करके तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा, तभी जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ वो डिविजिबल है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि 7 1 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, 7 7 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, मतलब 7 सिर्फ डिविजिबल है 1 और 7 से, इसलिए 7 तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब किसी नंबर को अगर तुम्हें प्राइम नंबर बोलना पड़ेगा, मतलब प्राइम नंबर बोलना चाहते हो तो उस नंबर का फैक्टर 2 मिलेगा तुमको, दो तो फैक्टर मिलेगा, एक एक मिलेगा और जो नंबर तुम लिए हो वही मिलेगा, तभी तुम उसको प्राइम नंबर बोल सकते हो। जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 11 होगा, 13 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये सब प्राइम नंबर है, क्योंकि हर एक का फैक्टर क्या, हर एक का फैक्टर तुम निकालोगे तो एक मिलेगा, एक कॉमन है, हर एक में एक फैक्टर मिलेगा तुमको, क्योंकि एक से तो सभी डिविजिबल होता है, ठीक है। और क्या मिलेगा, जिस नंबर तुम चुने हो, जैसे 7 चुने हो तो 7 एक फैक्टर मिलेगा, 11 चुने हो तो 11 फैक्टर मिलेगा, एक तो 13 लिए हो तो 1 और 13 एक फैक्टर होगा, 3 लिए नंबर लिए हो तो 3 एक फैक्टर होगा, 5 लिए हो तो 5 भी एक फैक्टर होगा, मतलब 5 का फैक्टर तुम्हें मिलेगा 2 ठो 1 और 5, 3 का फैक्टर मिले हो क्या 1 और 3, 13 का फैक्टर मिलेगा 1 और 13, 11 का फैक्टर मिलेगा 1 और 11, 7 का फैक्टर मिलेगा 1 और 7। तुम देखो हर एक में फैक्टर एक कॉमन है, हर एक में फैक्टर तुम्हारा क्या है एक है, और क्या कॉमन है, जो नंबर तुम लिए हो वही वाला नंबर है। जैसे कि 7 लिए हो तो 7 है, 11 लिए हो तो 11 है, 13 लिए हो तो 13 है, 3 लिए हो तो 3 है, 5 लिए हो तो 5 है, मतलब ये सब तुम्हारा प्राइम नंबर हो जाएगा, और किसी नंबर से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा ये वाला छोड़ के,
कोई भी नंबर ले लो, जैसे 13 हम ले लिए, 13 सिर्फ डिविजिबल होगा 1 और 13 से, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 डिविजिबल होगा सिर्फ 1 और 3 से, 5 डिविजिबल होगा सिर्फ 1 और 5 से, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तभी हम इस नंबर को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 2 मिलेगा तुमको, दो ठो फैक्टर मिलेगा, दो ठो, एक ठो एक मिलेगा और जो नंबर तुम लिए हो वही वाला मिलेगा, और किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलेंगे? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसी को हम लोग कॉम्पोजिट बोलेंगे। ठीक है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर क्या हो सकता है? किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे प्राइम नंबर में पाबंदी था कि प्राइम नंबर सिर्फ एक और जो नंबर तुम लिए हो, जिसको प्राइम नंबर बोलना चाहते हो, उसी नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो हम बोल रहे कि 11 प्राइम नंबर है, क्या पूछ रहे हैं तुमसे, तो 11 को प्राइम नंबर होने के लिए इसको एक और जो 11 नंबर लियो, मतलब 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी उसको हम प्राइम नंबर बोल पाएंगे। अगर दूसरा किसी नंबर से डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक और उसी नंबर से डिविजिबल होगा, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और कॉम्पोजिट नंबर क्या है? किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वही तुम्हारा कॉम्पोजिट है। समझ में आ रहा है? जैसे 9 तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 9 क्या एक से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि एक से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तुम कोई भी नंबर लो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी तो नंबर तुम चुन लो, कोई भी नंबर तुम चुन लो, वो हमेशा एक से डिविजिबल होगा और जो नंबर तुम चुने हो उससे डिविजिबल होगा, ये होगा ही होगा, तुम कोई भी नंबर ले लो। लेकिन 9 3 से भी डिविजिबल होता है, 3 3 9, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 से भी डिविजिबल होता है 9, मतलब क्या ये कॉम्पोजिट हो जाएगा। अगर 9 प्राइम नंबर होता तो सिर्फ 1 और 9 से डिविजिबल होता, 3 से डिविजिबल वो नहीं होता, अगर 9 प्राइम नंबर होता तो। लेकिन प्राइम नंबर तो 9 नहीं है, क्योंकि 9 तो 3 से भी डिविजिबल होता है, मतलब क्या ये कॉम्पोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे 16 किससे डिविजिबल होता है, मतलब 16 का फैक्टर क्या क्या है? तुम्हें किसी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले देखना होता है कि वो नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। फैक्टर निकालने के लिए, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें पहले देखना होता है कि वो वाला नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। जिस नंबर से डिविजिबल है वही उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 16 किस नंबर से डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा ही होगा, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता है और 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है, 2 8 16। ठीक है, 8 से डिविजिबल होता है, 8 2 16। उसके बाद 4 से डिविजिबल होता है, 4 4 16। मतलब क्या ये तो कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, प्राइम होने के लिए सिर्फ एक और जो नंबर तुम लिए हो उसी से डिविजिबल होना होता है, तब जाके वो प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन ये तो और भी चीज़ों से डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या ये प्राइम नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट है। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा बहुत सारा नंबर है, हमेशा याद रखना जो नंबर प्राइम नहीं है वही तुम्हारा कॉम्पोजिट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या? इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है। क्या बोले? इवन नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 2, सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। तुम और किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ देखोगे अगर एक नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं है तो इवन नंबर नहीं है। और किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तुम्हें देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इवन नंबर के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लो हम बोले 16 2 से डिविजिबल होता है, तुम 2 से 16 को डिवाइड करो तो देखो 2 8 16 हो रहा है, रिमाइंडर 0 है, मतलब 16 डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो 16 तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मान लो जैसे हम बोले 24 2 से डिविजिबल होता है, 2 1 2 4 2 2 4, मतलब 2 से डिविजिबल क्या 12 होगा, 24 भी डिविजिबल होगा 2 से, 24 भी इवन नंबर है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या? जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई टू, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसी को हम लोग ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कि 15 एक ऑड नंबर है, क्योंकि 15 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तुम 2 से डिवाइड करो, देखो 2 7 14, देखो रिमाइंडर 1 हो रहा है, मतलब क्या 2 से डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर अगर तुम्हें 0 मिलेगा तभी तुम कहलाओगे कि हाँ ये नंबर डिविजिबल है, जब तक तुम्हें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ मतलब कि वो डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 15 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है तुम्हारा। उसके बाद मान लो 9 भी तुम्हारा 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 4 8, देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर डिविजिबल है तो। रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, कुछ और आ गया,
मतलब वो डिविजिबल नहीं है, मतलब 15-9 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल अगर नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर, मतलब 15-9 ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, और एक चीज़ बता दे रहे, बुक में देखना तुम लोग का लिखा हुआ है कि एक ऐसा नंबर का नंबर बताओ जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। सवाल पूछता है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा एग्जांपल दो जो नंबर प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। उसका एग्जांपल होगा एक, ये याद रखना। एक एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, याद रखना। एक ऐसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कभी कभी सवाल पूछ देता है कि एक इवन कॉम्पोजिट नंबर का एग्जांपल दो। क्या बोले? एक इवन कॉम्पोजिट नंबर, इवन कॉम्पोजिट नंबर, इसका एग्जांपल दो। बहुत सारा एग्जांपल है, मतलब एक ऐसा नंबर तुम यहाँ पे लिखोगे जो इवन भी होगा कॉम्पोजिट भी होगा, ठीक है। तो जैसा मान लो हम बोल रहे 16, मान लो 16, ठीक है। तो 16 इवन भी है कॉम्पोजिट भी है। इवन क्यों है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है। तुम 2 से डिवाइड करके देखना 16 को, 2 8 16 होगा, ठीक है, मतलब इवन हो गया। अच्छा, उसके बाद कॉम्पोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉम्पोजिट होने के लिए क्या होना होता है? जो प्राइम नंबर नहीं है वही कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो 16 देखो, 16 का तुम फैक्टर निकालो, 16 का कितना फैक्टर हो सकता है देखो, एक होगा और 16 होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 2 8 16 8 हो सकता है, 8 2 16 4 हो सकता है, 4 4 16 मतलब क्या? ये तो प्राइम नहीं है। अगर प्राइम होता तो सिर्फ एक और 16 से डिविजिबल होता, ठीक है। लेकिन ये तो इससे भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या? ये प्राइम नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट है, मतलब क्या? इवन भी है कॉम्पोजिट भी है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, हम तुमको सिर्फ एक एग्जांपल बताए, ठीक है। अच्छा, और एक तो कभी कभी पूछ लेता है, देखो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, एक ऐसा एग्जांपल दो नंबर का जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर मतलब यहाँ पे तुम ऐसा नंबर लिखोगे जो स्मॉलेस्ट भी होगा इवन भी होगा, मतलब स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोले हम, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे तुम लिखोगे उसको इवन होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन पूछा है। इसका एग्जांपल होगा तुम्हारा क्या? 2 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट भी है इवन भी है। इससे नीचे तुम स्मॉलेस्ट इवन नंबर नहीं बोल पाओगे। तुम बोलोगे सर 2 का भी तो स्मॉलेस्ट होता है, 2 का स्मॉलेस्ट तो 1 है, 1 क्यों नहीं हुआ आंसर? हाँ, तुम सही हो, 2 का 2 से छोटा 1 होता है, ये सही है। लेकिन 1 तुम्हारा इवन नंबर नहीं है, 1 स्मॉलेस्ट जरूर है लेकिन 1 इवन नंबर नहीं है। तुम्हें एक ऐसा नंबर बोलना पड़ेगा जो स्मॉलेस्ट भी होगा इवन भी होगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या? 2, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। इसको अच्छे से समझना होगा, प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। चलो हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बुक ओपन करो अपना, पहले अपना बुक ओपन कर लो। देखो क्या दिया है पहला वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है देखो, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर का सम क्या है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, दोनों ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, किसी भी 2 ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। तो तुम क्या लिखोगे? द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। किसी भी 2 ऑड नंबर लो और दोनों ऑड नंबर का सम निकालो तो हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, 2 ऑड नंबर लो, मान लो एक ऑड नंबर 1 है और दूसरा ऑड नंबर 3 है, ठीक है। ऑड नंबर मतलब कौन सा नंबर? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको ऑड नंबर बोला जाता है। तो 1 और 3 तो ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो दोनों का सम करो, सम कितना होगा? 4 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। 4 इवन नंबर है क्योंकि 4 तो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब दोनों ऑड नंबर का सम एक इवन नंबर है। और एक एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो 3 3 प्लस 5, 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होता है इसलिए ऑड नंबर है। दोनों का सम करो, 8 आएगा, 8 तो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब इवन नंबर है। मतलब क्या निकला? दोनों ऑड नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसका बी वाला क्या दिया है देखो, बी वाला दिया है इवन नंबर, मतलब दोनों इवन नंबर का सम क्या होगा? तो ये भी इवन नंबर होगा, दोनों इवन नंबर का सम भी इवन नंबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स
इज एन इवन नंबर, दोनों इवन नंबर का सम भी इवन नंबर ही होता है। इसको भी एग्जांपल से क्लियर करते देखो, तो दोनों इवन नंबर चुन लो, मान लो एक दो लिए एक फोर लिए, दो एक इवन नंबर है, फोर भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या, दो से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये दो ही तुम्हारा इवन नंबर है, क्योंकि दो भी इवन नंबर है, फोर भी इवन नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर ही दो से डिविजिबल होता है। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा, छः, छः भी तो दो से डिविजिबल होता है, मतलब इवन नंबर है। और एक इवन नंबर चुन लो, मतलब फोर लिए और छः लिए, दस हुआ। फोर भी एक इवन नंबर है, दो से डिविजिबल होता है, छः भी एक इवन नंबर है, छः भी दो से डिविजिबल होता है। तो दोनों का सम करेंगे तो टेन आएगा, टेन भी तो इवन नंबर है, क्योंकि टेन भी तो दो से डिविजिबल होता है। मतलब मुझे क्या पता चला कि दोनों इवन नंबर का सम भी इवन नंबर होता है। मतलब क्या, अगर दोनों ऑड नंबर लोगे उसका सम भी इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर लोगे उसका सम भी इवन नंबर है। समझ में आया बात? अच्छा चलो, एक नंबर वाला हो गया, दो नंबर वाला करते हैं। देखो दो का पहला वाला, अच्छा यहाँ पे क्या दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स दिया है, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स वाला। हम कुछ कुछ करा देंगे, कुछ कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, तुम होमवर्क करोगे, ठीक है। अच्छा तो पहला वाला देखते हैं, दो का एक ए नंबर वाला क्या दिया है। देखो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। तीनों ऑड नंबर का सम इवन है, नहीं ये गलत है, तीनों ऑड नंबर का सम इवन होता नहीं है, फॉल्स है। तीनों ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं होता, दोनों ऑड नंबर का सम इवन होता है। अगर दो ऑड नंबर लोगे तो दोनों ऑड नंबर का सम इवन होता है, तीन तो ऑड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम एग्जांपल लोगे, एग्जांपल लो, एग्जांपल बना लो, समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल चुनो, तीन तो ऑड नंबर चुन लो, ठीक है। तीन तो ऑड नंबर मतलब मान लो एक तो ऑड नंबर हम एक लिए, एक तो ऑड नंबर तीन लिए, एक तो ऑड नंबर पाँच लिए, तीन तो ही तुम्हारा ऑड नंबर है, क्योंकि तीनों नंबर ही दो से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ऑड है। इनका सम करो कितना आता है, नौ। अब नौ इवन नंबर है क्या, नहीं, नौ ऑड नंबर है, क्योंकि नौ दो से डिविजिबल नहीं होता है। मतलब क्या मिला मुझे, तीनों ऑड नंबर का सम ऑड नंबर है, यही मिला, तीनों ऑड नंबर का सम ऑड नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट में जो दिया है इवन नंबर है, मतलब ये गलत है, इसलिए फॉल्स। समझ में आया बात? अच्छा उसके बाद आते हैं सी पे, बी वाला होमवर्क करोगे। देखो सी में क्या दिया है, सी में क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। तीनों ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड है, क्या बोले, तीनों ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड है। हाँ ये सही है, ये ट्रू है। अच्छा ये प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मतलब तीनों ऑड नंबर का अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ऑड नंबर ही मिलेगा, ये सही है। एग्जांपल लो, तीनों ऑड नंबर चुन लो, कोई भी तीनों ऑड नंबर चुनो, मान लो हम चुन लिए थ्री चुन लिए, अच्छा फाइव चुन लिए और सेवन चुन लिए, तीनों ही तुम्हारा ऑड नंबर है, क्योंकि तीनों नंबर ही क्या, दो से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ऑड है। तो इसका प्रोडक्ट निकालो, मतलब मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, तीन थ्री और फाइव पंद्रह, पंद्रह और सेवन कितना आता है, 105। मल्टीप्लाई करके देखना, थ्री फाइव सर फिफ्टीन, फिफ्टीन सेवन सर 105, ठीक है। अब 105 इवन है कि ऑड है, 105 ऑड है, क्योंकि 105 दो से डिविजिबल नहीं होता है। तुम रफ में डिवाइड करो, 105 को दो से डिवाइड करो, देखो डिविजिबल नहीं होगा। 25 सर 10, ठीक है, इस 5 को उतारोगे, 22 सर 4, देखो रिमाइंडर 1 हो गया। डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना होगा, ठीक है, तभी उसको हम डिविजिबल कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या, दो से डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब क्या ऑड नंबर है, मतलब क्या तीनों ऑड नंबर का प्रोडक्ट देखो ऑड नंबर ही है, मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा उसके बाद ई में आ जाओ, ई में देखो क्या दिया है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड है। ई वाला है क्या एग्जांपल, ई वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड है, नहीं ये भी गलत है, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड नहीं है, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड नहीं है। देखो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितना भी प्राइम नंबर है सारा प्राइम नंबर ऑड है, नहीं ये गलत है, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होता है, कोई कोई प्राइम नंबर्स इवन भी होता है। समझ में आ रहा है बात? कोई कोई प्राइम नंबर्स है जो इवन भी होता है, हर एक प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होता है। एग्जांपल क्या दोगे, एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल है दो। देखो दो तुम्हारा एक ऐसा नंबर है जो तुम्हारा क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। दो तुम्हारा एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। दो क्यों इवन नंबर है, क्योंकि दो तो दो से डिविजिबल होता है। इवन नंबर किसको बोलेंगे, जो नंबर दो से डिविजिबल होता है उसी को इवन नंबर बोलेंगे। तो दो तो दो से डिविजिबल होता है, मतलब ये इवन नंबर है। अच्छा दो प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि दो प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि दो का सिर्फ तुम दो ठो ही फैक्टर निकाल पाओगे, एक एक होगा और एक, क्योंकि तुम दो लिए हो तो दो ही होगा, मतलब ये दो ठो ही फैक्टर है दो का,
मतलब क्या, दो को अगर तुम एक से डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें रिमाइंडर जीरो मिलेगा, दो को तुम अगर दो से डिवाइड करोगे तो भी तुम्हें रिमाइंडर जीरो मिलेगा। दो और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, सिर्फ एक और इसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है। और तुम कोई भी नंबर ले लो, दो डिविजिबल नहीं होगा। मतलब क्या, दो प्राइम हो गया, मतलब क्या, दो इवन भी है प्राइम भी है, मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या बोला था, स्टेटमेंट में बोला था कि हर एक प्राइम नंबर ऑड है, लेकिन दो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है लेकिन फिर भी इवन है, ऑड नहीं है। मतलब ये एग्जांपल, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो इज अ, टू इज अ इवन प्राइम नंबर। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आते हैं, चलो एच पे, ये ई वाला हो गया। ठीक है, एच वाला क्या दिया है, देखो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ ये तो ट्रू है, अभी अभी किए हम। देखो एच वाला तुम्हारा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अभी अभी किए किए ना, तुम एच वाला स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या दिया है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, दो एक सिर्फ इवन प्राइम, दो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है। मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट का मतलब है, दो, टू इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब क्या है, यही एकमात्र एग्जाम्पल है, तुम्हें और कोई भी इवन प्राइम नंबर मिलेगा नहीं दो को छोड़ के। दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है, इसको छोड़ के और कोई एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा नहीं जो प्राइम नंबर भी है इवन भी है। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, सिर्फ दो है, और कोई प्राइम, और कोई नंबर तुम्हें ऐसा मिलेगा नहीं, और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इवन भी है प्राइम भी है दो को छोड़ के, सिर्फ दो ही एक अकेला एक ऐसा नंबर है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं जे पे, लास्ट वाला, देखो क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। ये सही है या गलत है, इसको बोलना पड़ेगा कि दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। ये स्टेटमेंट वही है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू होगा, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन ही होता है। ठीक है, तुम एग्जांपल चुनो, दो इवन नंबर चुनो, मान लो इवन नंबर दो है और एक इवन नंबर फोर हम चुने, दो इवन नंबर है, दो भी एक इवन नंबर है, फोर भी एक इवन नंबर है, क्योंकि दोनों ही दो से डिविजिबल होता है इसलिए इवन नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एट। मतलब क्या, एट भी तो एक इवन नंबर है ना, क्योंकि एट भी तो दो से डिविजिबल होता है, मतलब ये भी एक इवन नंबर है। मतलब क्या हुआ, दोनों इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन नंबर हुआ, वही लिखा हुआ है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, हाँ ये ट्रू है, इसका हम एग्जाम्पल भी दे दिए, क्लियर कर दिए कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलो तो बाकी तुम करोगे। ठीक है, हम कुछ सॉल्व कर दिए। अच्छा, उसके बाद दो नंबर वाला तो हो गया। अच्छा, नंबर थ्री में आते हैं, देखो नंबर थ्री क्या दिया है, देखो पढ़ो, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम्हें दो नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ, एक 13 दिया है, एक 31 दिया है। ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हम रफ में दिखा दे तुमको, एक एग्जाम्पल 13 दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है 31। तो बोला है कि दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसका फैक्टर करोगे तो सिर्फ एक और 13 आएगा, इसका फैक्टर करोगे सिर्फ एक और 31 आएगा। मतलब क्या, 13 सिर्फ एक और 13 से डिविजिबल होता है, 31 सिर्फ एक और 31 से डिविजिबल होता है, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यह प्राइम है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तुम्हें निकालना क्या है, इस तरीके से प्राइम नंबर निकालना है अप टू 100, 100 तक, 100 तक तुम्हें ऐसा प्राइम नंबर निकालना है पेयर, क्योंकि 13 और 31 पेयर में दिया हुआ है, ये एक पेयर है। ठीक है, तुम्हें ऐसा 100 तक कितना पेयर है निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन यही होगा, क्योंकि दोनों पेयर में डिजिट सेम होना चाहिए, दोनों पेयर में डिजिट सेम होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे, देखो डिजिट एक है और थ्री है, यहाँ भी देखो डिजिट एक है और थ्री है, सिर्फ मतलब अरेंज ठीक से नहीं किया, ये 13 है, ये 31 है, नंबर तो अलग है लेकिन डिजिट तो सेम है ना, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी थ्री डिजिट है, यहाँ पे भी थ्री डिजिट है, तो डिजिट सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, 100 के अंदर अप टू 100 तक तुम्हें प्राइम नंबर का पेयर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो प्राइम नंबर कैसा होगा, जो भी तुम पेयर निकालोगे नंबर डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर तो ऐसे बहुत है, तुम बहुत पेयर निकाल पाओगे, 100 के अंदर बहुत सारा ऐसा पेयर है जो प्राइम नंबर होगा 100 तक, लेकिन कंडीशन एक होगा कि जो भी तुम पेयर निकालोगे, जो भी नंबर्स होगा तुम्हारा, दोनों में डिजिट सेम होना चाहिए, जैसे कि इसमें है। तो देखो इसका 3 पेयर होगा 100 तक, तुम्हारा 3 पेयर होगा। पहला वाला पेयर होगा तुम्हारा 17
एंड 71, ये पहला पेयर है, ठीक है। देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 17 भी सिर्फ 1 और 17 से डिविजिबल होता है, 71 भी सिर्फ 1 और 71 से डिविजिबल होता है, और कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए यह प्राइम है, ठीक है। और 100 तक है, 100 से ऊपर नहीं है। और क्या है, देखो डिजिट सेम है, यहाँ पर भी 1 है 7 है, यहाँ पर भी 1 और 7 है, ठीक है। दूसरा वाला पेयर क्या हो सकता है, दूसरा वाला पेयर तुम्हारा होगा 37 एंड 73। देखो ये भी 100 के नीचे है, 100 के अंदर है, ठीक है। इसमें भी डिजिट 3 है 7 है, इसमें भी देखो डिजिट 3 और 7 है, और दोनों ही प्राइम है, ठीक है। और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, सिर्फ 1 और 37 से डिविजिबल होगा ये, और ये 1 और 73 से डिविजिबल होगा, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, हो गया। अच्छा तीसरा वाला पेयर क्या होगा, तीसरा वाला पेयर होगा तुम्हारा 79 एंड 97। ये भी दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर ही क्या, ये भी 1 से और 79 से डिविजिबल होता है, ये भी 1 और 97 से डिविजिबल होता है, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब प्राइम है, ठीक है। 100 के अंदर है, ठीक है, 100 से ऊपर नहीं है, और क्या है डिजिट सेम है। देखो यह भी 79 है, यह भी 79 है, मतलब डिजिट भी सेम होना चाहिए। ये तीन तो ही पेयर होगा तुम्हारा, और कोई पेयर नहीं है 100 के अंदर, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, सवाल अच्छा है ये वाला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से नीचे तुम प्राइम नंबर्स भी लिखो, कॉम्पोजिट नंबर्स भी लिखो। तो लिखो पहले प्राइम नंबर्स लिखो, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर्स लिखो। लेस देन 20, 20 से नीचे, 20 से नीचे मतलब क्या, तुम्हें 19 तक लिखना होगा, 20 तुम नहीं ले सकते, क्योंकि 20 से नीचे इसने लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है 20 से नीचे, तो 20 को तुम काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा तो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर मतलब क्या, जो नंबर सिर्फ एक और उसी नंबर से डिविजिबल होता है, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोल पाएंगे। तो लिखो, स्टार्ट करो। अच्छा एक तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम थ्योरी जब पढ़ाए थे तब बोले थे कि एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, या बोले थे, ठीक है ना। तो एक तुम नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर भी नहीं लिख सकते, कॉम्पोजिट नंबर में भी नहीं लिख सकते। तो दो से स्टार्ट करो। देखो दो होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। जितना भी नंबर तुम देखे ना, सिर्फ एक और उसी नंबर से डिविजिबल होता है, और कोई दूसरा वाला नंबर नहीं है जो डिविजिबल होगा, मतलब प्राइम है। कॉम्पोजिट क्या है, कॉम्पोजिट मतलब ये सब नंबर छोड़ के जो नंबर होगा वही कॉम्पोजिट होगा, मतलब क्या, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ये सब नंबर होगा, ये सब तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18, यही कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर जो नहीं है वही कॉम्पोजिट है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 होमवर्क करना। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 और 10। 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर निकालो तुम, 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर निकालना होगा, मतलब क्या, तुम 1 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हें 1 और 10 के बीच में बोलना पड़ेगा, मतलब क्या, तुम 2 से स्टार्ट करोगे, 9 में आके खत्म हो जाओगे, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें नंबर निकालना है 1 और 10 के बीच में बोला है, मतलब क्या, तुम 1 भी नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, इसके बीच में लेना है। बीच में मतलब क्या, तुम 2 से स्टार्ट करोगे, 9 में आके खत्म होगा, मतलब 2 और 9 के बीच में तुम्हें करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर तो बहुत है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, ये होमवर्क करोगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बोलोगे कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा तो मुझे बताओगे। 6 नंबर में आते हैं। देखो 6 नंबर क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। कुछ नंबर दिया हुआ है तुम्हें, 2 ऑड नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है। हम समझा दे रहे हैं, देखो पहला वाला नंबर क्या है, 44, ठीक हो। देखो 44 को तुम्हें एक्सप्रेस कैसे करना है, दोनों ऑड नंबर का सम, मतलब देखो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 44 इक्वल्स टू 40 प्लस 4 लिख सकते हैं, 44 आता है। उसके बाद 44 को 41 प्लस 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 44 को हम लिख सकते हैं 39 प्लस 5, ये भी 44 आता है। अच्छा 44 को लिख सकते हैं 30 प्लस 14 ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों नंबर तुम ऐड करो, देखो हर एक केस में तुम्हारा 44 ही आएगा, लेकिन तुम्हें करना क्या है, दोनों ऑड नंबर का सम करना है। मतलब ये जो दो नंबर का तुम सम कर रहे हो ना, ये इक्वल टू 44 हो रहा है, ये दोनों नंबर को ऑड होना होगा, दोनों नंबर को ही ऑड होना होगा, समझ में आ रहा है बात। तो इसका एक ही एग्जांपल है, तुम ऐसे लिखोगे 44 इक्वल्स टू 3 प्लस 41, यही होगा तुम्हारा, देखो ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो 3 भी यहाँ पे ऑड नंबर है, 41 भी तुम्हारा ऑड नंबर है, बाकी जितना भी तुम देखोगे ना, तुम्हारा दो ऑड नंबर नहीं होगा, या तो इवन होगा या तो दोनों इवन होगा, ठीक है, दोनों ऑड नंबर नहीं होगा, दोनों ऑड नंबर सिर्फ यही में होगा, इसी में होगा। तो तुम्हें 44 को ऐसे ब्रेक करके लिखना होगा,
दो नंबर में लिखना होगा, दोनों को ही ऑड होना है, मतलब दोनों दो से डिविजिबल नहीं होगा तभी ऑड कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना होगा। जैसे और एक टर्म दिखा दे, नंबर डी वाला देखो 18, ये वाला दिखाते हैं तो 18 को कैसे तोड़ोगे, दोनों ऑड नंबर के हिसाब से ऐसे तोड़ना पड़ेगा तुमको। कैसे तोड़ोगे, 7 प्लस 11 18 होता है। देखो 7 भी तुम्हारा ऑड नंबर है, 11 भी तुम्हारा ऑड नंबर है, क्योंकि दोनों नंबर दो से डिविजिबल नहीं होता है इसलिए ऑड है, ठीक है। बाकी खुद करोगे, ए और डी हम करा दिए, बाकी सोचोगे बी और सी कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिव द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। दोनों तुम प्राइम नंबर्स निकालो, तीन ठो पेयर प्राइम नंबर का, तीन ठो पेयर निकालो जिसका डिफरेंस 2 आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सवाल क्या है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तुम्हें तीन ठो पेयर निकालना है, प्राइम नंबर का तीन ठो पेयर होगा, पहला वाला पेयर, दूसरा वाला पेयर, तीसरा वाला पेयर, ठीक है। तुम ऐसा पेयर निकालोगे जिनका अंतर 2 होगा। जैसे कि हम बोल दिए पहला वाला पेयर होगा तुम्हारा 3 और 5, ठीक है, दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों का अंतर 2 है। तुम 5 से 3 माइनस करो, देखो 2 आएगा। मतलब क्या, तुम्हें प्राइम नंबर का पेयर यहाँ पे लिखना होगा। कैसा प्राइम नंबर होगा, दोनों प्राइम नंबर का जो अगर तुम डिफरेंस निकालते हो, अंतर निकालते हो, तो वो 2 आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो एक तो 3 और 5 होगा, दूसरा वाला होगा तुम्हारा 5 और 7, ठीक है, तीसरा वाला होगा तुम्हारा 11 और 13, ठीक है। और भी है, बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन तुम्हें तीन तो पेयर निकालना है। तो तुम लोग का आंसर में हो सकता है कि ये आंसर मेरे साथ मैच नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें और एक तो पेयर बोल दे रहे, जैसे कि 13 और भी हो सकता है, 13 और 11 तो बोल दिए, ठीक है, और एक तो बोल रहे, देखो जो 17 और 19, ये भी हो सकता है। देखो दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का अंतर क्या है, 2 है, तो ऐसा बहुत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम्हें तीन ठो पेयर लिखना पड़ेगा, कोई भी तीन ठो पेयर, तो हो सकता है कि बुक का आंसर से मेरा मैच ना हो, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो दिया है वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। देखो दो यहाँ पे हम तीन ठो पेयर लिखे, ये भी एक ठो पेयर, ये एक ठो पेयर, ये एक ठो पेयर, तो देखो दोनों नंबर ही तुम्हारा क्या प्राइम नंबर हो रहा है और दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पे। देखो Which of the following numbers are prime? लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा नंबर प्राइम है, ये खुद करोगे। तो पहला वाला क्या दिया है, 23 है, उसके बाद 51, उसके बाद 37, उसके बाद 26। तुम बोलोगे कि कौन सा वाला नंबर प्राइम है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर देखने के लिए तुम्हें एक कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे सिर्फ एक और उसी नंबर से डिविजिबल होता है, उसी को हम प्राइम बोलेंगे, ठीक है। अगर ये छोड़ के किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नहीं है, तो इसी को तुम अप्लाई करोगे, देखना कौन सा वाला प्राइम है कि कौन सा वाला नहीं है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर नाइन देखो क्या दिया है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तुम्हें लिखना क्या है, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना है 100 के नीचे। अच्छा कंसेक्यूटिव मतलब क्या, ये कंसेक्यूटिव मतलब है एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब तुम कोई भी नंबर स्किप नहीं करोगे। जैसे हम बोल रहे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक कोई भी नंबर हम स्किप नहीं करेंगे, उसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो तुम्हें सवाल क्या है, सवाल है 100 के नीचे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखना है सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मतलब 100 के नीचे तुम्हें 7 एक के बाद एक कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है, उसको कंपोजिट भी होना है और बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं रहेगा। और एक बार बताते, 100 के नीचे तुम्हें 7 एक के बाद एक कंपोजिट नंबर लिखना होगा, लेकिन बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं रहेगा, हर एक नंबर कंपोजिट होना है और 100 के नीचे होना है और एक के बाद एक होना है, कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा। तो इसका एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल क्या होगा, 90 से स्टार्ट करोगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो ये 7 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर ही कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है। देखो कोई भी नंबर मैंने स्किप नहीं किया है, मतलब 7 नंबर कंसेक्यूटिव है और 7 ही कंपोजिट है, ठीक है, कोई भी नंबर बीच में प्राइम नहीं है, ये हर एक नंबर तुम्हारा कंपोजिट है, तुम देखोगे। अच्छा प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना होता है, सिर्फ एक और जो नंबर तुम लिखे हो उसी नंबर से डिविजिबल होना होता है, दूसरा वाला कोई नंबर से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तुम देखना हर एक नंबर तुम्हारे यहाँ पे प्राइम नहीं होगा, हर एक नंबर कंपोजिट है, किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा नंबर 9 हो गया। अच्छा उसके बाद नंबर 10 पे आते हैं। 10 पे क्या लिखा हुआ है, देखो इंस्ट्रक्शन,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना, वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम जो कराए थे, उस 6 नंबर क्वेश्चन से 10 नंबर वाला क्वेश्चन मिलता जुलता है। वहाँ पे 6 नंबर में सिर्फ दो नंबर था, और यहाँ पे 10 नंबर वाला क्वेश्चन में 3 नंबर है। मतलब तुम्हें एक नंबर दे दिया है, मान लो पहला वाला दिखा रहे हैं 21, इसको तुम्हें एक्सप्रेस करना है 3 ऑड प्राइम नंबर के सम। मतलब 21 इक्वल टू तुम्हें एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो 3 ऑड नंबर होगा, ऑड प्राइम नंबर होगा। जैसे हम लिखेंगे इसको, देखो 3 + 7 + 11, तुम ऐड करो देखो 21 आएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर कैसा नंबर होगा, 3 नंबर ही तुम्हारा ऑड होगा और प्राइम होगा। तुम देखो तीनों नंबर यहाँ पे ऑड है, 3 नंबर यहाँ पे ऑड है, मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा यहाँ पे। ना 3 2 से डिविजिबल होगा, ना 7 2 से डिविजिबल होगा, ना 11 2 से डिविजिबल होगा। तीनों नंबर ही मतलब ऑड हो गया, ठीक है। और तीनों नंबर ही प्राइम है, मतलब क्या, 3 का अगर तुम फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ ये 2 मिलेगा तुम्हें, 7 का अगर फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ ये 2 मिलेगा, 11 का अगर फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ ये 2 मिलेगा। मतलब क्या, 3 सिर्फ 1 और 3 से डिविजिबल होता है, 7 सिर्फ 7 और 1 से डिविजिबल होता है, 11 सिर्फ 1 और 11 से डिविजिबल होता है, और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम है। मतलब क्या, प्राइम भी है ऑड भी है। मतलब क्या, तुम्हें 3 प्राइम और ऑड नंबर का सम करना पड़ेगा इसको, समझ में आ रहा है बात। और एक दिखाते हैं, जैसे मान लो सी वाला 53 इक्वल टू तुम्हें 3 ऑड प्राइम नंबर का सम करना पड़ेगा, 3 तो ये क्या होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 होगा। तुम ऐड करो देखो 53 आएगा, ठीक है। मतलब तीनों नंबर ही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ऑड है, 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ऑड है, और तीनों नंबर ही प्राइम है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 हो गया, बाकी होमवर्क करोगे। नंबर 11 क्या दिया है, देखो, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। देखो तुम्हें लिखना क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, 5 पेयर लिखना पड़ेगा प्राइम नंबर का, 5 पेयर लिखना पड़ेगा 20 से नीचे, और जिसका सम 5 से डिविजिबल होना है। तो 5 पेयर निकला पड़ेगा, तो हम 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 5 पेयर लिखना पड़ेगा। 5 कैसा पेयर होगा, प्राइम नंबर का पेयर होगा, मतलब यहाँ पे जो तुम पेयर लिखोगे ना वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। और क्या होना होगा, उस नंबर को 20 से नीचे होना है, और क्या होना होगा, सम को 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो देखो पहला वाला हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2 + 3 ये 5। देखो ये 2 नंबर तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि कंडीशन क्या है जो भी तुम पेयर यहाँ पे लिखोगे दोनों नंबर को प्राइम नंबर होना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दोनों नंबर को 20 से नीचे होना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन, दोनों नंबर का सम 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो देखो तीनों का तीनों कंडीशन ही मैच हो रहा है। देखो ये 2 नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, दोनों नंबर 20 से छोटा है, 20 से नीचे है, और दोनों नंबर का जो सम हम किए ये सम भी 5 से डिविजिबल होता है, समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा तुम्हें और 4 पेयर लिखना पड़ेगा। तो देखो हम 4 पेयर लिख रहे हैं, ये 1 होगा, ठीक है। अच्छा, और होगा तुम्हारा 3 + 17, ये 1 होगा। अच्छा, और 1 होगा 2 + 13, ये 1 होगा, और 1 होगा तुम्हारा ये वाला, ठीक है। ऐसा बहुत एग्जांपल है, लेकिन हम सिर्फ 5 पेयर लिखे तो एग्जांपल बहुत हो सकते। तुम देखो हर एक पेयर को तुम देखो, हर एक पेयर, जितना भी पेयर हम किए, हर एक वाला पेयर तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, हर एक वाला जो नंबर लिखे ना पेयर यहाँ पे, ये पेयर हर एक नंबर 20 से छोटा भी है, और जो सम किए हर एक सम तुम्हारा 5 से डिविजिबल होता है, हर एक सम। मतलब क्या, तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही नंबर अब 2 बार लिख दिए, एक ही नंबर 2 बार नहीं लिखे, पहले 7 को 13 से ऐड किए, ये बी वाला है, दूसरे में हम 3 को 17 से ऐड किए, ठीक है, सिर्फ पोजिशन को चेंज कर दिए और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 12 लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, हम 2-3 डिस्कस कर दे रहे। पहला वाला देखो, ए में क्या है, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। एक नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर अगर है उसको बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। एक नंबर का अगर सिर्फ 2 फैक्टर, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, उसको प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, बी वाला स्टेटमेंट क्या है, बी वाला स्टेटमेंट है अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। अगर सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसको बोलेंगे प्राइम नंबर।
दो से ज्यादा फैक्टर अगर मुझे मिलेगा उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा सी में क्या दिया है, वन इज नाइदर डैश नॉर डैश, मतलब क्या, वन प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो पहले डैश में प्राइम बैठेगा, दूसरे वाला डैश में कॉम्पोजिट बैठेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद डी वाला क्या दिया है, देखो डी वाला दिया है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा दो होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो है। ई वाला क्या दिया है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, अच्छा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर चार है, ठीक है। स्मॉल याद रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो होगा, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर फोर होगा, ठीक है। अच्छा एफ लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी दो होगा, ठीक है। समझ में आया बात, स्मॉलेस्ट इवन नंबर दो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी दो है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर फोर है, ठीक है। तो ये ठीक से कर लेना, ये तुम्हारा चैप्टर, ये तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। चैप्टर अभी भी है, बाकी है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। थैंक यू।